एक वायरस जिसने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को दहला रखा है। कोरोना नाम के इस वायरस ने अब तक दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है। भारत में भी इस खतरनाक वायरस का प्रकोप जारी है, लेकिन भारत सरकार इससे निपटने के लिए लॉकडाउन जैसे कई मजबूत कदम उठा रही है। और इस कोरोना महामारी के बीच अपने फैसले के लिए दुनिया भर में जाने जाने वाली मोदी सरकार की ओर से डिजिटल भुगतान की मजबूत ढांचागत सुविधा से 30 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 28,256 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 26 मार्च को ही लॉकडाउन से होने वाली परेशानियों से देश के गरीब और जरूरतमंद तबके के लोगों को बचाने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत इसकी घोषणा की थी। कोरोना महामारी संकट के इस दौर में केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और किसानों का ख्याल रखा है। मोदी सरकार ने कुछ साल पहले ही लाभार्थियों के लिए जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से डिजिटल ढांचा तैयार किया था, और अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जरिया सही साबित हुआ है। वित्त मंत्रालय के बयान की माने ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT सामाजिक सुरक्षा या फिर पेंशन योजना आदि के लिए जरूरी डिजिटल ढांचा उपलब्ध करा रहा है। सरकार ने अब तक 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत 30 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को पहले हफ्ते के दौरान पहली किस्त के माध्यम से DBT के जरिए सहायता पहुंचाई है। इसके साथ ही 2 और किस्त मई और जून में दी जाएगी। मोदी सरकार ने कुल वितरण में 13,855 करोड़ रुपए पीएम किसान योजना के तहत पहली किस्त के भुगतान के रूप में किया है, और इसी योजना के तहत 8 करोड़ लाभार्थियों में से करीब 6.93 करोड़ की पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए मिले हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 3 किश्तों में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के तहत 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को कुल 1400 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है, और इस योजना के माध्यम से हर लाभार्थी को 1,000 रुपए दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।